या बढ़ते अपराध की, सच दिखाने का रखते हैं दम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। पूर्णिया जिले के किनगर प्रखंड के गोकुलपुर पंचायत के मुखिया पद से नीरज मेहता युवा उम्मीदवार नीरज मेहता को पूर्ण बहुमत से मुखिया पद का विजेता बनाए। पंचायत के सुयोग्य, नेक, शिक्षित, ईमानदार, संघर्षशील और कर्मशील युवा उम्मीदवार नीरज मेहता जी का कहना है कि हमको गोकुलपुर पंचायत की जनता मुखिया पद के रूप में चुने, हम मुखिया पद पर जीत हासिल करेंगे। मेरी प्राथमिकता उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा होगी। हमारे पंचायत में जो भी जाति वर्ग के आदमी हैं, सबको कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे। मेरे लिए सब समान है, सबका साथ, सबका विकास करेंगे। मुखिया पद के विभिन्न प्रकार का सरकारी फंड जनता के विकास में लगाएंगे, जैसे पेंशन, राशन कार्ड, इंदिरा आवास योजना, बीपीएल और गली नली में सॉलिंग का विकास कराएंगे। सभी योजना का लाभ गरीब से गरीब आदमी तक पहुँचाएंगे। हर समय दुख और सुख में साथ रहकर समाज के विकास पर ध्यान दूंगा। गोकुलपुर के सभी पंचायत वासियों को दीपावली और छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। वर्तमान मुखिया जी थे पहले से और उनकी बहुत बड़ी जीत हुई है, फिर दोबारा चुनाव में, पंचायत चुनाव में दोबारा मुखिया पद पे आ चुके हैं और यहाँ का जो गोकुलपुर पंचायत का जो भी जनता है फिर भारी मतों से विजय घोषित किए हैं। आइए हम मुखिया जी से मिलते हैं और जानकारी लेते हैं। मेरा नाम नीरज मेहता हो जी, ग्राम पंचायत राजगोकुलपुर का मैं निर्वाचन मुखिया जी, और इस चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप इस समय हमारे यहाँ आए हैं, आपका स्वागत जी। सर, आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? गोकुलपुर का जो जनता है, आपके पंचायत का, आपको सर फिर मुखिया के रूप में चुने हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? मैसेज के रूप में हमें पुनः फिर से तीसरी बार जी इस सीट पर स्थापित की है ग्राम पंचायत रात गोकुलपुर की जनता मुखिया के रूप में फिर से देखे में, और निश्चित रूप से उन्हें हमारे ऊपर भरोसा है, तभी तो तीसरी बार वो हमें रखे हैं जी। और जहाँ तक सेवा की बात है, सेवा करते आया हूँ, कर रहा हूँ, करता रहूँगा, शांति बना रहे हमारे पंचायत में। मैं सभी प्रत्याशियों से भी यही अपील किया था, आज भी कर रहा हूँ, हार जीत लगी रहती है, जो भी हो हम सब मिल के काम करेंगे, बस माहौल शांत रखें, यही मेरी जनता से अपील है, सभी कार्यकर्ताओं से। मुखिया जी, शिक्षा व्यवस्था पर आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा हो गया और स्वास्थ्य केंद्र हो गया, इन पे आपका क्या कहना? सभी सुचारू ढंग से चल रहा है हमारे यहाँ, ठीक ठाक पूर्व से ही चल रहा है, उसको और अच्छे तरीके से चलाने का काम करेंगे जी, व्यवस्थित करेंगे जी। इस बार मुखिया जी आपको फिर से यहाँ का जनता मुखिया के रूप में चुने हैं सर, एक तो आप युवा मुखिया जी हैं, आपका इस बार क्या उद्देश्य रहेगा, प्राथमिकता स्थान क्या रहेगा इस बार पंचायत में? निश्चित रूप से विकास कर रहे हैं, विकास किए हैं जी, लगभग 200 मुख्यमंत्री गली नाली के तहत 200 रोड का निर्माण हुआ है जी। जो थोड़ा बहुत रोड छूटा हुआ है जी, जैसे NH 107 से परसिया रह का प्रधानमंत्री से पास है, उसमें काम करवाने का काम करेंगे। पंचायत सरकार भवन प्राथमिकता में है, जमीन आवंटन हो गया है। न हिंदू में हूँ, न मुसलमान में हूँ,